गुड मॉर्निंग बच्चों, यू आर वेलकम इन इंग्लिश क्लास। सो प्लीज चेक आउट योर बुक्स, फिफ्थ क्लास बुक, ओके, एंड ओपन पेज नंबर 26। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, अपर एंड लोअर। इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, पहले वो कर लेते हैं। विडी मींस चला, वॉक मींस झुकना, जैसे कि ऐसा झुकते हैं ना वो। डिजेक्टेड मींस दुखी होना, क्वायल मींस झगड़ना, यूनिक मींस जो सबसे अलग है, रियलाइज मींस महसूस होना। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए बीरबल की और अकबर की आपने काफी सारी कहानी सुनी होंगी, किस तरीके से अकबर और बीरबल में घनिष्ठ मित्रता होती है। मित्रता के साथ साथ उनमें काफी अच्छा जुड़ाव है। क्यों? क्योंकि जो बीरबल है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, और वो हमेशा अगर कोई दिक्कत होती है तो अकबर को कोई दिक्कत होती है तो वो उनको उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे वो सॉल्व होती है, क्या प्रॉब्लम आती है वो पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, एक बार अकबर सुबह जगते हैं, अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं, एक हॉकर होता है यानी एक ठेले वाला होता है, वो जा रहा होता है। तो ठेले वाला भी देखता है अकबर को, राजा को, और अकबर देखते हैं ठेले वाले को। तो जो ठेले वाला होता है वो ऐसा मतलब झुकता है, जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग, ऐसा नमस्ते, तो इस तरीके से वो दूर से झुकता है उनके लिए। और उसके बाद क्या होता है कि राजा उसको इग्नोर कर देता है, फिर वो नहाने जाते हैं। और नहाने जाते हैं वो नहाने जाते हैं और फिर क्या होता है, वो उस बाथरूम में फिसल जाते हैं, उनको लग जाती है चोट। उस चोट को लगने से क्या होता है, वो अपने दरबार में नहीं जा पाते, उनका उनकी वाइफ के साथ झगड़ा हो जाता है, उनकी जो वाइफ है उनके भाई उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसी दिन अकबर जो बीरबल होते हैं उनको भी कहीं जाना होता है, मतलब वो दरबार में आ नहीं पाते। तो क्या होता है, अकबर को ऐसा लगता है कि मैंने सुबह ना उस रेडी वाले को देखा था, ठेले वाले को देखा था, इसलिए मेरा दिन पूरा खराब हो गया। तो वो अपने सैनिकों को भेजते हैं, उस रेडी वाले को लेके आते हैं और बोलते हैं कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। अब जब बीरबल ये बात सुनते हैं तो वो भी आते हैं, तो फिर उस रेडी वाले की या ठेले वाले की और उनकी बात होती है, तो फिर वो क्या होता है, जब फांसी पर चढ़ने वाला होता है वो ठेले वाला, तो फिर क्या होता है, वो बोलता है कि मुझे भी एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे वो पूरी कर लेनी चाहिए। तो वो उसको बोलता है ठीक है आपकी आखिरी ख्वाहिश है बताइए, कहते मुझे पूरी जनता के सामने कुछ बोलना है। तो उनको बोला जाता है कि आप कभी भी, मतलब वो पूरी जनता के सामने बोलते हैं कि आप कभी भी ना राजा का मुंह मत देखना सुबह सुबह। क्यों? उससे क्या होगा कि उनका दिन तो नहीं खराब होगा, उनका क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी उनको फिर फांसी मिल जाएगी। ठीक है, इसलिए उनको मार दी जाएंगे, फांसी मिल जाएगी। तो इसीलिए आप कभी भी राजा का मुंह मत देखना, जैसे मैंने सुबह सुबह राजा का मुंह देखा और अब मुझे फांसी हो गई। तो फिर राजा को समझ में आता है, अरे ये बात तो सही नहीं हुई, मैम जिस तरीके से मेरा भी दिन खराब हुआ इसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो रही है। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। ठीक, तो ये थी हमारी पूरी कहानी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये चैप्टर आपको कम से कम दो बार जरूर पढ़ना है, ठीक है, तभी कुछ समझ में आ पाएगा। ओके, एंड बाकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन एंड आंसर आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, बाय, थैंक यू बच्चों।